हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शहाबुद्दीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर रोड फाइट में अचानक से आपका अपोनेंट आपको इस तरह पकड़ ले, भाई अगर इस तरह से पकड़ ले पूरा पावर से, तब आप क्या करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा, अपने हैंड और गर्दन को कैसे छुड़ाएंगे और दुश्मन पर वार कैसे करेंगे। भाई मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगे। दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये ट्रिक दिखता है कैसा, पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसा दिखता है, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, ताकि आप घर पर ही प्रैक्टिस कर सकें। पहले आप फास्ट देख लीजिए कैसा दिखता है, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। अगर अचानक से रोड फाइट में आपको इस तरह से पकड़ ले, तो आपको करना क्या है, इस तरह पकड़ना है, उसके बाद इस तरह पकड़ना है, उसके बाद इस तरह से गिराना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है भाई, इस तरह से दुश्मन को गिरा सकते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अब मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, ताकि आप सीख सकें और घर पर ही प्रैक्टिस कर सकें और समय आने पर दुश्मन पर भी इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, अभी वीडियो को अंत तक देखिएगा भाई, अभी आपको वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है। चलो पकड़ो प्रेम। अब मैं आपको एकदम स्लो करके दिखाऊंगा भाई, ताकि आप सीख सके। देखिए, अगर इस तरह पकड़ ले तो आपको करना क्या है, आपका जो ये वाला हैंड है, ठीक है, राइट हैंड जो है, इस तरह से पकड़ना है इस वाले हैंड को, ठीक है, जिस हैंड से आपका अपोनेंट आपके गर्दन को पकड़ा है, उसी हैंड को आप अपने राइट हैंड से इस तरह पकड़िए, ठीक है। उसके बाद आपका जो लेफ्ट वाला हैंड है, इस तरह से पकड़िए। आप देख पा रहे होंगे भाई, आपको करना क्या है, इस तरह से पकड़ना है पूरा पावर से, ठीक। इस तरह से पकड़ने के बाद आपको करना क्या है, इस तरह से घूमना है, देखिए राउंड करना, देखिए देखिए देखिए, और इसको फिर इस तरह से, देखिए गिर गया, ठीक है। अभी मैं आपको और भी अच्छे से सिखाऊंगा भाई, पैर को पीछे लेके जाना है, ठीक है। आ जाओ फिर से आओ, पकड़ो पूरा पावर से पकड़ो प्रेम, ठीक है। देखिए, पहला स्टेप में क्या करना है आपको, इस तरह से अपने राइट हैंड से इस तरह दुश्मन के हैंड को पकड़ना है, ठीक। उसके बाद इस हैंड से दुश्मन की इस वाले हैंड को पकड़ना है पूरा पावर से। उसके बाद ये वाला जो लेग है आपका, ठीक है, राइट वाला लेग लेके जाना है पीछे, उसके बाद इसको ऊपर की ओर लाना है। देखिए, ये दोनों काम आपको साथ साथ करना है, इस तरह इसको ऊपर लाना है और इसको पीछे लेके जाना है, ठीक। उसके बाद ये वाला जो हैंड है, इस तरह से इस तरह आगे की ओर लेके जाना है, ठीक, और इस तरह गिराना है। बहुत ही सिंपल है भाई। उसके बाद पूरा पावर से फेस पंच मारिए, ठीक है, फेस पर मारिए, ताकि दुश्मन घायल हो जाए और फिर से आप पर वार नहीं कर सके। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर से सिखा रहा हूं, ताकि आप सीख सकें। पकड़ो प्रेम, ठीक है, पकड़ो पूरा पावर से पकड़ो, अगर इस तरह पकड़ ले, पकड़ लो प्रेम, पूरा पावर से पकड़ो, ठीक। देखिए, इस तरह पकड़ लिया, अगर मैं इस तरह छुड़ाने का कोशिश भी करूंगा तो नहीं छूटेगा, अगर हाथ को छुड़ाने का इस तरह से कोशिश भी करूंगा तो नहीं छूटेगा, और मैं मार भी नहीं सकता हूं इस तरह से, और नहीं कीक चलेगा, ठीक, कीक भी आप नहीं मार सकते भाई, क्योंकि आपको पकड़ लिया है पूरा पावर से, ठीक। तो पहले आपको इस मजबूत पकड़ को छुड़ाना है, उसके बाद आप मार सकते हैं भाई, चाहे आप कीक मारिए चाहे पंच मारिए। तो आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं कि दुश्मन पकड़ के इस तरह से आराम से रहेगा और आप सुलो एकदम आराम से दुश्मन को पटकिएगा नीचे तो वो आराम से पटकने देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको फास्ट करना होगा। तो आपको करना क्या है, जैसे ही अचानक इस तरह पकड़ ले तो आपको इस तरह पकड़ना है, और उसके बाद इस हैंड से ये पकड़ना है, और देखिए ये वाला हैंड को नीचे और इस हैंड को देखिए आगे की ओर, ठीक है, इसको आगे की ओर इस तरह लेके जाना है, उसके बाद मारना है भाई फेस पंच, ठीक है। देखिए, मैं आप सबको इसलिए बोलता हूँ फेस पर मारने के लिए, ताकि फेस पर मारने से दुश्मन जल्दी से जल्दी घायल होगा।